हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। धूप लेने आई हूँ। ठंड के दिनों में धूप लेने में ही मज़ा आता है, पर आज कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि हवा अभी थोड़ी बहुत चल रही है। कहीं तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं, इतना चिपक कर बैठेगी तो नहीं लगेगी। प्रैम लाई थी पर इसे मेरे साथ ही ऐसे चिपक कर थोड़ा सा बैठना था, तो मैंने बोला भाई चलो धूप में मज़े ले लो तुम भी चिपकने के। देखिए कैसे ओढ़ आड़ कर आई है एकदम, और कैसे हल्की ठंडी है ना, तो बिल्कुल एकदम चिपक कर बैठी हुई है। इसे भी समझ में आ रहा है कि इस समय चिपकने में भलाई है ना, है ना, है ना। आजकल है ना बोलने के बाद हाँ बोल देती है, अक्सर बोल देती है, पर कई बार नहीं भी बोलती है। आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा एक दो बार, है ना, है ना। अभी ठंड लग रही, काई का हाँ बोले ना। अमेजोन से ऐसा कुछ मंगवाया था, मैं चाह रही थी कि जब मैं काम करूँ तो भी इसको संभाल पाऊँ। इनकेस वो कैसे देख रही है कैमरा को, नींद में भी है बेचारी, थोड़ा थोड़ा धूप से आई है ना, तो उसको भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, पर बहुत हवा चल रही थी, मैं वापस आ गई। सो ये ऐसे पहनना है और इसको बेबी को आप ऐसे कैरी कर सकते हो, ठीक है, पर ये हाथ नहीं रखना है। हाँ हाथ नहीं रखना है, पर वो मन मान नहीं रहा है, और ना मतलब इसका तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, पर ये इसके लिए बड़ा इसके स्पाइन में असर आएगा, तो मुझे लग रहा है रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इतना मतलब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। चीज बनाने की कोशिश तो कर दी है बट नहीं सही से बैठ रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है पता नहीं, बट ऐसे नाइस एक वो नहीं आ रहा है। कमेंट्स में बता दो गाइस अगर पता हो तो। इसके लिए क्या और ऑप्शन है बताइएगा। वो रैप्स जो आते हैं, जो यहाँ पर एक ऐसे रिंग होती है एंड देन आप ऐसे बेबी को पकड़ते हो, वो चीज मुझे एक्चुअली खरीदनी थी, बट मुझे ये थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी बैग जैसी है, तो मुझे लगा कि इसमें सही से बच्चा आएगा। बच्चा सही से आ रहा है बट मुझे लग रहा है कि ये कम्फर्टेबल नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो ऐसी चीज क्यों रखना जो इसे कंफर्टेबल फील ना दे। पिंगा कुपोरी, पिंगा कुपोरी, पिंगा कुपोरी, पिंगा, उसके आगे का नहीं पता, आप बोलो। पिंगा कुपोरी, पिंगा कुपोरी, पिंगा कुपोरी, पिंगा, मगर पिंगा ने घालवला। अब तू नहीं बोल रही है, गाना ही गलत बोल रहे भाई अनिशा। हाँ देखना बोलते कैमरा देख ली, अब वो कुछ नहीं बोलेगी। आज मम्मी के रूम में थोड़ा सा मैं शूट खत्म कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटू सा शूट था वो खत्म कर रही हूँ। ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा दर्द हो रहा है, कोई दांत में कोई दिक्कत नहीं पर फिर भी यहाँ पर हल्का सा पेन हो रहा है, तो मैंने सोचा कान टोपा पहन लेती हूँ, क्या पता मैं कान ज़्यादा खुले रख रही हूँ जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। सो मैंने पहन लिया, और अगर आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहनते हुए दिख रही हूँ ना, तो यार ये बहुत कोजी है, बहुत सॉफ्ट है एंड उतना ही ज़्यादा ये हीट मुझे देता है, सो आई जस्ट लव वेयरिंग दिस। तो चलिए करते हैं लंच। लंच में मटर स्पेशल निमोना बनाया, तो ये मेरी ननद ने बनाया गाजर मूली का अचार सरसों के तेल में, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें शायद ये शिमला मिर्च है, समझ में नहीं आ रहा, या मिर्ची है जो भी है। ये करेले के पकौड़े मैंने बनाए हैं और निमोना आज के लंच में गर्मा गर्म रोटी। शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी क्यूटी पाई पेट फुल करके सो गई है, मेरा भी एकदम पेट फुल है। मैंने शाम को ये ब्रेड के एंड्स का कुछ बनाया था, जा रही हो के बाय, और कॉफ़ी मम्मी ने बना कर दी थी, तो वो सारी चीज़ खा पी के मेरा पेट तो फुल है, बट अब मैं अपनी स्किन के लिए केयर करूँगी। मेरी आदत है कि 15-20 दिन में एक बार एटलीस्ट स्टीम लूँ, जिससे ना मेरे जो पोर्स है ना वो नाइसली ओपन होते हैं और उनकी क्लेंजिंग होती है, और पोर्स की क्लेंजिंग जब हो जाती है ना, तो आप जो भी स्किन केयर पर प्रोडक्ट्स लगाते हो, सीरम हो, क्रीम हो, वो डीप जाते हैं एंड डीप जाते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छा मिलता है। सो मेरी आदत है कि 15-20 दिनों में एटलीस्ट एक बार स्टीम ले लेना, अब मैं सबसे पहले वही करूँगी क्योंकि मेरी स्किन ना थोड़ी ड्राइनेस की वजह से ऐसी फ्लेकी फ्लेकी सी लग रही है, तो वो कर लेती हूँ क्योंकि ये सो रही है, तो जब भी ये सोती है ना और मेरे सारे काम हो चुके हैं ना, तो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत केयर करती हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आज डिनर में भी ना मैं कुछ बना रही हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी, बट सबसे पहले चलिए स्टीमर लेकर आती हूँ अपना।
तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को क्लेंस करती हूँ। ये जो फेस वॉश है ये स्क्रबर के साथ है, तो स्क्रबिंग एंड फेस वॉश दोनों एक साथ हो रहा है। और फेस वॉश होने के बाद यहाँ पर अच्छे से पैट ड्राई कर लेती हूँ अपने फेस को मैं, एंड देन आई विल यूज अगारो का फेशियल स्टीमर। इसमें 100 ml का वाटर टैंक है जिसमें मैंने पानी डालकर इसे ऑन कर दिया है, एंड ये इंस्टेंटली हॉट स्टीमिंग इस तरह से दे रहा है। इसे आप हॉट मिस्ट भी बोल सकते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट स्किन के ओपन पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे क्लेंसिंग होती है पोर्स की। ये स्टीमर नैनो आइग्निक हॉट स्टीमिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि मैंने आपको बोला ना बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक सोना स्पा वाला हमें फील देता है, एंड किड्स के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। स्किन केयर के लिए तो बहुत अच्छा है, ये रिमूव करता है टॉक्सिन्स हमारे स्किन से, हमारी डेलिकेट स्किन को ये और भी नरिश एंड मॉइस्चराइज करता है, एंड द बेस्ट पार्ट ये रिड्यूस करता है स्किन की एजिंग। जो भी स्टीम इसमें से पास हो रही है वो हो रही है यूवी लैम्प में से, जो कि स्टरलाइज होकर स्टीम आ रही है बाहर की तरफ, जो कि फुल्ली हाइजीनिक आप बोल सकते हैं, बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए और नेजल पैसेज के लिए। फास्ट हीटिंग के साथ ये 30 seconds में इस तरह से स्टीमिंग स्टार्ट करता है जब भी मैं ऑन करती हूँ। मतलब 100 ml वाटर डालकर बस इसे मैं ऑन कर देती हूँ, लगभग 15 minutes तक ये स्टीमिंग कर सकता है इस तरह से, एंड कोई भी बर्निंग या डैमेज आपकी स्किन पर इसकी मदद से बिल्कुल नहीं होता। और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लुक इसका बनाया गया है, इसमें हैंडल वगैरह होने की वजह से पकड़कर चेहरे पर स्टीम लेना बहुत आसान हो जाता है, इसे स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि छोटू सा है, बहुत बड़ा सा नहीं है, काफ़ी लाइट वेट भी है, और इसे कहीं पर भी हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं। 1 year वारंटी के साथ ये आता है। इसे डिफ्यूजर की भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई भी जो फ्रेग्रेंस ऑयल है वो डालकर, और हाँ ये ऑटो शट ऑफ के साथ आता है। उसी के बाद यहाँ पर मैंने अपने चेहरे पर अच्छे से फेशियल ऑयल लगा लिया है और इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो का 4-in-1 इलेक्ट्रिक रोज क्वार्ट्ज फेस रोलर। इस रोलर को फेस पर, आई पर, नेक पर यूज किया जा सकता है, जो कि एंटी एजिंग माना जाता है हमारे फेशियल मसाज के लिए। और इतना ही नहीं, एंटी व्रिंकल भी होता है, स्किन फर्म करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस रोलर में मसाजर भी है जो कि 6000 वाइब्रेशन क्रिएट करता है पर मिनट, जिससे हमारी स्किन रिलैक्स एंड स्मूथ हो जाती है। इसमें 3 तरह के अटैचमेंट मुझे मिलते हैं, मैं फेशियल मसाज के लिए अलग अलग अटैचमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसका रेगुलर यूज करने से ये स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन, प्रमोट करता है कोलेजन प्रोडक्शन, रिड्यूस करता है पफी आईज, रिड्यूस करते हैं डार्क सर्कल्स, एंड द बेस्ट पार्ट हेल्प करता है डिसअपियर करने में फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, एंड चेहरे पर एक बहुत ही रेडियंट ग्लो आ जाता है इसे रेगुलर यूज करने से। इसे क्लेंस करना बहुत आसान है, इससे टोनिंग बहुत अच्छी होती है, और मसाजिंग तो हमारे चेहरे की बहुत अच्छी हो जाती है, जेंटल है काफी स्किन पर ये, एंड हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन सच में रिलैक्स करता है मसल्स एंड हमारे फेशियल टेंशन वाली लाइंस को। इनफैक्ट ये हेल्प करता है रिस्टोर करने में स्किन की फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी को, हेल्प करता है रिड्यूस करने में फेशियल फैट, एंड इफेक्टिवली रिमूव करता है टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। अगर आप इसे बॉडी पेन में यूज करना चाहते हैं, जैसे नेक में वगैरह कोई पेन हो रहा है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, एंड ये रिजोनेट करता है हमारी बॉडी को अंदर से। ओवरऑल इसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, एंड 360 degree वाटरप्रूफ डिजाइन है, तो हम इसे शावर में भी यूज कर सकते हैं। इसमें 1 AA बैटरी लगती है और ये 1 year वारंटी के साथ आता है। मेरा जो भी स्किन केयर रूटीन था, जो मैं कभी कभी इतने अच्छे से बैठ कर ले पाती हूँ, वो मेरा हो चुका है, एंड क्लियरली यू गाइस कैन नोटिस ऑल द रिजल्ट ऑन माई फेस, राइट। सो मैं आप सभी के लिए इन प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दे आर ईजीली अवेलेबल ऑन Amazon, सो डू चेक इट आउट गाइज। एंड इस तरह के प्रोडक्ट्स होना हमारे पास, तो जब भी हमें समय मिले ना, तो हम अपने आप की थोड़ी बहुत ही सही केयर करके अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। और जब खुद को पैम्पर करते हैं ना हम, तो बहुत अच्छा फील होता है। और जब हमें अच्छा लगता है ना, तो अपने आप अपने घर पर जो भी लोग हैं ना, सबका हम लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इसलिए शुरुआत हमसे ही होती है। डू चेक इट आउट ऑल द प्रोडक्ट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज। तो देखो अनिका और अनिशा क्या कर रहे हैं, ये क्या गेम चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पिकबू पिकबू चल रहा है। ये टोपा वगैरह कौन फेंक दिया है, है? है? दीदी के साथ करनी है मस्ती। नानी क्या पका रही है तुम्हारी, नानी क्या पका रही है, अरे ये क्या निकाल दिया,
नानी क्या बना रही है? टू मंथ स्पेशल क्या बना रही है नानी? क्या बना रही है नानी? क्या बना रही है? पूरन पोली क्या बना रही है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। हाँ अग्गी बना रही है। खाएंगे हम लोग? चलो चलो जल्दी जल्दी खाते हैं। चलो तो ये बन रही है पूरन पोली। नानी ने बोला क्या तुम लोग केक बिग मंगवा कर बर्थडे मनाते हो, पूरन पोली मैं बनाकर खिलाती हूँ। हाँ मम्मी ये देखो इसमें है पूरन और ये है पोली। इसकी मतलब ये आटे में भरा जाता है, इट्स लाइक अ पराठा जैसा ही। और बस अभी बनकर मम्मी इसे सेकेगी तो अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे पूरन पोली भी फूल जाती है। अब पूरन पोली बनी है तो आमटी तो बननी है, तो ये है आमटी। अब ये बनती कैसी है महाराष्ट्रियन लोगों को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता क्विकली बता दूँ, ये जो चने का दाल का पानी होता है उससे ये आमटी बनती है, जिसको एक तड़का दिया जाता है स्पेशल। और फिर ये आप चावल के साथ या पूरन पोली के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हो गई आमटी, ये हो गई पूरन पोली। अनिशा आई है पूरन पोली देखने, बस इतने ही दूर से टपक रहे, इतने ही दूर से हम अनिशा को पूरन पोली दिखाएंगे। रेड वाइट। अच्छा किचन का। अच्छा पापा आमटी पाइजे? पापा पहले बैठ चुके हैं खाना खाने, तो उनको आमटी सर्व कर देते। कि जिन्हें भी पूरन पोली की रेसिपी चाहिए, डोंट वरी, यूट्यूब पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। डोंट आस्क मी राइट नाउ, क्योंकि मेरी मम्मी की ये प्रेपरेशन ना दोपहर से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि जो चने की दाल है ना उसे अच्छे से पकाना होता है और उसके बाद ये प्रोसेस रहती है, मतलब अच्छी खासी लंबी प्रोसेस होती है। वर्थ होता है ये प्रोसेस, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। और ये पूरन पोली के ऊपर थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया है, और मैं पूरन पोली को खाती हूँ दूध के साथ, और घी के बिना ना पूरन पोली खाने का मज़ा ही अधूरा है। हमने बगुला, क्या हुआ बगुला? बगुला बगुला क्या? पंखे में कुछ नहीं है, बात करो बगुला। अरे बगुला को क्या हो गया? ओए बगुला, बगुलों का मूड आता है, मूड। बैदे भी बगुला क्या होता है? हाँ बगुला का मतलब क्या होता है? अरे बगुला पता नहीं क्या होता है, एक बर्ड का कोई तो नाम है। अच्छा बगुला नहीं, कोई कुछ और है। मैं भूल गई हूँ। अगी हाई फाई करो गी। अगी ये मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा क्या, जैसे कि ऐसे ही तो किया पुईसा। ओए अग्गी, ओए ओए, अभी क्यों नहीं बात कर रही है? अब नहीं कर रही है, इतनी देर से इतना बात की। अग्गी बगुला इंगा है ना, है ना, है ना अग्गी। कॉपी कर रही है तुम्हें? तुम कॉपी कर रही हो मम्मी का? हाँ कॉपी। हाँ वो भी सोच रही क्यों हंस रहे थे। जो मैं has yet to find, please stay this gentle and kind. Oh, now I can't wait to get to know you better, to see who lives behind those walls. And on your first day doing anything new, you're welcome here, welcome. और कुछ इस तरह से अनिशा का हमने सेकेंड मंथ सेलिब्रेट किया है। समय कैसे भाग रहा है यार, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये भी 2 महीने की हो गई है और फाइनली आज वो दिन आ गया है कि विशाल पिया और उनका बेबी हमारे घर पर आने वाले हैं।
वहाँ से बस वो लोग निकल चुके हैं, उनकी फ्लाइट है लगभग 11:15 की, यहाँ पर 1:30 बजे लैंड हो जाएंगे और रात चले जाएंगे उन्हें लेने के लिए। मतलब कितना फास्ट समय जा रहा है, सुबह के 9:45 बज रहे और बिलीव नहीं हो रहा है कि आज वही दिन है जब वो लोग आने वाले हैं। हल्की हल्की नहीं, काफ़ी ठंड है यार, पता नहीं कैसे ठंड बढ़ चुकी है, पर हम लोग मैनेज कर लेंगे। इसी कमरे में उस बेबी को भी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हॉट एसी है। और ये हमारी छुटिंग की अभी सो रही है। इसने बड़ा इंजॉय किया कल, केक काटते समय अलग ही मस्ती चल रही थी। और मतलब सच में यार सब कैसे इतना जल्दी जल्दी हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये 2 महीने की हो गई। सुबह के समय ना अनीशा के साथ काफ़ी सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको बर्प करवा देती हूँ। बर्प करवा दो ना तो अनीशा ना काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, वरना वो काफ़ी अनईजी रहती है। तो यहाँ पर मैंने बर्प का वो जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया, इसने बर्प ले ली है। एंड इमिडिएटली हम लोग किचन में पहुँचे तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर फटाफट सारे मशरूम कट कर रही है क्योंकि आज मशरूम की सब्जी बननी है। मम्मी बहुत अच्छे मशरूम लेकर आती है जब भी नीचे जाती है, तो खूब सारे लेकर आती है। तो यहाँ पर तो मशरूम मसाला मम्मी बनाने वाली है, और इस मशरूम मसाले के लिए ना बहुत सारे प्याज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और लगती है जिन्हें भून कर ही मम्मी इसका मसाला बनाती है। तो मम्मी की यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत मदद मेरी हाउस हेल्पर करके दे रही है, और मैं जो थोड़ा बहुत काम है वो ख़त्म कर रही हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये कैमरा, तो वो देखती रहती है, तो डोंट माइंड। एंड मीनवाइल बाकी का खाना भी चढ़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आज गाजर का हलवा बनना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि गाजरों को डाल दिया है फूड प्रोसेसर में। पिछली साल ना मेरे पास फूड प्रोसेसर होने के बावजूद हाथ से घसा था मैंने इन गाजरों को, और फिर याद आया था कि ओ मेरे पास तो फूड प्रोसेसर है जिसकी मदद से कुछ ही मिनटों में, कुछ सेकंड्स में मैं सारे गाजरों को घस सकती हूँ। मीनवाइल अनीशा की मालिश वाली मौसी भी आ चुकी है और घर में एकदम ऐसे चल रहा है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ, घर का माहौल काम वाला आप समझ ही पा रहे हो। एंड जब अनीशा की मालिश होती है ना, वैसे तो अनीशा बहुत प्यार से मालिश करवा लेती है, मैं उसे काफी ज्यादा एंटरटेन करती रहती हूँ, नाच कर ऐसे कूद कर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं सच बताऊँ ना तो अनिका के टाइम पर ये सारी चीजों को मैं इतना ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाई थी, पर अनीशा के टाइम पर लिटरली मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय कर पा रही हूँ। तो हाँ, कुछ तो मैजिक है सेकेंड बेबी के बॉर्न होने के बाद मेरे अंदर, जो मैं सच में हमेशा महसूस करती हूँ। इसका भी रूटीन हो चुका है, मालिश के बाद ये सो जाती है, थोड़ा सा इसको डकारी दिलवा रही हूँ पर ले नहीं रही पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा मैंने अभी सोचा इसको ऐसे खड़े रखती हूँ, हो सकता है डकार आ जाए। और गुड न्यूज़ क्या बताऊँ, मतलब मेरे लिए ये खुशी की बात है। ये जो पैंट है मैं प्रेग्नेंट होने से पहले पहनती थी, इसका जो वेस्ट था वो 30 था। मुझे ऐसे लग रहा था कि डिलीवरी के बाद मुझे कई महीने लगेंगे इसे पहनने में, बट जब आज मैंने इसे पहना तो एग्जैक्टली जैसे पहले हो रही थी वैसे ही हुई है। मतलब 2 महीने के अंदर मेरी कमर बैक इन शेप आ गई है, भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं अपने पुराने पैंट्स में फिट हो गई। मतलब मेरे लिए कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब ये पैंट मुझे एकदम सही से हुई है। और बस अभी ये सो के इसको डालती हूँ प्रैम में। वैसे मैं इसका झूला यूज़ नहीं करती हूँ, इसको पता नहीं झूला पसंद नहीं है, इसे प्रैम पसंद है। तो प्रैम में ना थोड़ा आगे पीछे कर दो तो सो जाती है, तो वैसे तो सो गई है, पर अगर उठ भी जाती तो थोड़ा सा प्रैम आगे पीछे कर दो बस हो जाता है। साथ ही साथ कुछ वीडियोज़ मेरे अप्रूवल के लिए भेजे हैं मैंने, उसी के कुछ अप्रूवल्स आ रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा इस समय मेरा बढ़ चुका है, पता नहीं क्यों, पर हर किसी को कोलैबोरेशन करना है जब से ये हुई है, सबको बेबी प्रोडक्ट्स और माँ के चीज़ों के लिए कोलैबोरेशन करना है। और मेरे पास बिलीव मी इतना समय बच नहीं पा रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी अच्छे ब्रांड्स हो मैं उनके साथ काम करूँ, क्योंकि एक क्रिएटर को ना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उन सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर पाओ जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो भी कर पाऊँ और ये भी कर पाऊँ। चलिए फिर, मुझे ऐसे लगता है ये व्लॉग मुझे यही ख़त्म कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि काम बहुत सारे हैं और समय अभी कम है। वो लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं, मैसेज भी आपका ऑलरेडी आ चुका है कि 11:30 बजे उनकी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ हो चुकी है और इस समय 11:50 हो रहे हैं।
तो बस ये सो गई है, देखते देखते देखिएगा वो आ भी जाएंगे। 1:15 को वो यहाँ पर लैंड करेंगे, रात चले जाएंगे लेने। तो बस अब इससे ज़्यादा और बातें नहीं करती हूँ, बंद करती हूँ ये व्लॉग, लाइक कर दीजिएगा।